अपन फाइनल है। सबसे पहले तो मैं मेरे माँ बाबा को, मम्मी पापा को, मेरे भाई को, मेरी वाइफ को, मेरी आज सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। उन सभी से ज़्यादा धन्यवाद दूंगा मेरी बुआ जी को, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। अगर बिल्कुल ताली बजा सकते मेरी बुआ जी और भाई की। मेरा मुझे वो बोलते हैं ना, जन्म देने वाले माँ बाप है लेकिन पालने पोसने वाले मेरे बुआ जी फुफा जी है, जिन्होंने मुझे 8 से 10 साल पाला पोसा और इस लायक बनाया कि मैं आज हजारों लोगों को इस राह पर चलाने का उनको एक रास्ता दिखा पा रहा हूँ और उनको उनकी लाइफ में कुछ परिवर्तन लाने के लिए इस काम को कर पा रहा हूँ। इसलिए मैं मेरी बुआ जी और फुफा जी को दिल से प्रणाम और धन्यवाद कहता हूँ कि जिनकी वजह से मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। दोस्तों, आप सब लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी समझी, बाकी बोलने के लिए और समझने के लिए कोई चीज़ का एंड तो होता ही नहीं है। हमारे पास सभी के पास आज टाइम कम है। मैं आप लोगों को पुणे बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये जीत आपकी सबकी जीत है। दिल से इस बिजनेस की स्टडी कीजिए। और मैं बहुत सारी मेरी स्पीच में ये बार बार रिपीट करता हूँ कि कंपनी खराब होती है, ये सिस्टम खराब नहीं है। मैं बार बार ये इस चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ कि कोई कंपनी पर डिपेंड करता है कि वो कंपनी आपको जीवन में क्या दे सकती है, क्या नहीं दे सकती है। बाकी नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट आज का नहीं, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, सदियों पुराना कॉन्सेप्ट है, जिसने दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी और सबसे ज़्यादा प्यार अगर किसी कॉन्सेप्ट ने दिया है तो वो डायरेक्ट सर्विस इंडस्ट्री में दिया है। एक बार इस इंडस्ट्री के लिए आप ताली बजा दीजिए। ये मैं मेरी काफ़ी सारी स्पीच में बोलता हूँ, इसके अंदर कार लेना, 2-4-5 लाख रुपये महीने कमाना, ये सब कुछ मामूली की बात है, बस मानने की और बिलीव की बात है। अगर आपकी लाइफ में कुछ आपको जुनून है, काम करना है, तो आप कभी भी इस कॉन्सेप्ट को अंदर आप बंद करके इस पे बिलीव कीजिए और इस सिस्टम के अंदर लोगों को लाइए, इस सिस्टम के बारे में लोगों को बिलीव दिलाइए, इस सिस्टम को थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि यह सिस्टम आपको कहाँ पहुँचा देगा आपको खुद को पता नहीं चलेगा। और कभी भी आप इस सिस्टम पे अगर कोई भी चैलेंज आता है तो ये मत सोचते हैं सिस्टम खराब है, आपको वापस से अपने आप पे काम करना है, लोग अपनी जो टीम वर्क है उस पर वापस से ध्यान देना है, सिस्टम को वापस से फॉलो करना है और वापस से सिस्टम के अंदर आकर मोटिवेट होकर काम करना है। ये कार आज एक छोटी सी शुरुआत है, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे सभी लोगों ने अभी हर्ष ने भी बोला, ये कार लेना कोई हमारी फैमिली के लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस कार लेने का उद्देश्य ये होता है हम लोगों को ये बता पा रहे हैं, उनको ये सक्सेस दिखा पा रहे हैं कि इस इंडस्ट्री के अंदर, मोदी केयर के अंदर ये सब कुछ पॉसिबल है। और बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो मेरा एक्साइटमेंट है, जो प्यार है, सुबह से मेरा मोबाइल ऑफ है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन जब से परसों से लोगों को पता चला, पूरे इंडिया से मेरे पास कोने कोने से फोन आए बधाइयों के लिए। मुझे ऐसा लगा पता नहीं मैंने क्या ले लिया। जब मैंने मेरी फॉर की कार ली थी तब मुझे एक भी किसी का फोन नहीं आया बधाई देने के लिए, और जब मैंने आज ये नेक्सा की एस्ट्रो स्टॉक मॉडल ली तो इंडिया के कोने कोने से मेरे पर, और अभी भी मेरे कई फोनों पे दूसरे मैंने मिलने वाले जीबीडी साहब के, हर्ष के, अंशुल के, जो भी हैं उन लोगों के फोन पे फोन आ रहे हैं, मैसेजेज आ रहे हैं बधाइयों के, और पूरे फेसबुक से लेकर इंस्टाग्राम से लेकर व्हाट्सएप से लेकर ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कोई नरेंद्र मोदी जी को लेके आ गया मैं या कोई बड़ी सेलिब्रिटी जी को लेके आ गया। इतनी बधाइयाँ मिल रही है मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ। और ये सब कुछ आप सब लोगों के बिना इम्पॉसिबल था। मैं एक अच्छा ह्यूमन बींग हूँ, दिल से आप लोगों को बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने मेरा हर जगह साथ दिया। स्पेशल धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे जीवीडी साहब नरेंद्र जी चौहान का, जिन्होंने मेरा हर जगह मेरी जिंदगी में मोदी केयर में साथ दिया, और मोदी केयर के अलावा मेरी पर्सनल लाइफ में मेरा साथ दिया। हमारी झांसी की रानी स्नेह लता जी टेलर को मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने भी मुझे हर जगह ये सपोर्ट किया और एक बिलीव रखा मुझ पर। सूरज जी, खेमराज जी, रमाकांत जी, सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे प्यार दिया। ललित भैया जिनकी मैं बचपन, जिनका बचपन मेरा जो निकला है वो ललित भैया का हाथ पकड़ते पकड़ते निकला है, और आज जब मैं इनको खुशी हो रही थी कि आज निखिल इतनी बड़ी स्टेज पे आज हम लोग ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उस दिन उन्होंने मुझे बाहर लगाकर गले लगाकर बोला प्राउड ऑफ यू, और ये मेरे को मेरी कहीं ना कहीं मेरे दिल के अंदर जो आंसू आ रहे थे शायद मैं अभी रोक पा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों का प्यार इतने सम्मान के लिए मैं जिंदगी भर आप सभी का आभारी रहूँगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, और इस इंडस्ट्री की सक्सेस को पूरी जगह फैलाइए, उन लोगों में बिलीव दिलाइए कि इंडस्ट्री आपको क्या दे सकती है, मोदी केयर आपको क्या दे सकता है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।